जो हिसार की 9 विधानसभा सीटें, अगर सिलसिलेवार बात करूं, सबसे पहले हिसार लोकसभा का हेडक्वार्टर हिसार विधानसभा पर हिसार जेपी 2-3 बार पहले सांसद रह चुके हैं। हाँ, तो प्रभावशाली तो है। आजकल जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, और कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, इतना नहीं होना चाहिए जी। जो भाजपा का नेतृत्व था, खट्टर साहब थे या और दूसरे, वो नहीं चाहते थे कमल गुप्ता को टिकट मिले जी। हिसार की हवा बता रही है कि सावित्री जिंदल अपर हैंड है, तो सावित्री जिंदल को हम भी अपर हैंड देते हैं, ग्रीन सिग्नल है, चंडीगढ़ जा सकती हैं, चुनाव जीत सकती हैं। और कमल गुप्ता, अगली विधानसभा की बात करते हैं आपसे, आदमपुर जी। आदमपुर मीन्स चौधरी भजन लाल परिवार, चौधरी भजन लाल। हाँ, रणवीर सिंह गंगवा को टिकट दिया है, रिप्लेस किया है उनको नलवा से बरवाला। बरवाला क्या जोर तान पड़ी होगी भाजपा को रिप्लेस करने की? अभी बात कर लेते हैं नारनौल की जी। जस्सी पेटवार यहाँ से कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जी, कभी युवा लोकदल में इनेलो में अध्यक्ष हुआ करते थे यू जी। कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पर कैंडिडेट हैं बीजेपी के पास। नारनौल क्या लगता है चुनाव का? देखिए, नारनौल बड़ा एक टिपिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगली विधानसभा की बात करते हैं तो उचाना जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, डूमर खान, दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, ये तमाम नेताओं की नगरी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किसकी हवा चल रही है, कहाँ किसकी हवा टाइट हो रही है, इसके बारे में लगातार हमारी चर्चा आपके साथ जारी रहती है। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीटें हैं। उन 10 लोकसभा की सीटों में हर एक लोकसभा की सीट में 9 विधानसभा की सीटें हैं, तो इस लिहाज से हरियाणा की 10 लोकसभा की 9 के हिसाब से 90 विधानसभा की सीटें हैं। हमने आपसे अलग अलग दो वीडियो में आपसे जानकारी शेयर की कि रोहतक लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में क्या चल रहा है और गुड़गांव लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में क्या चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हिसार लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में क्या चल रहा है। चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहेंगे देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी आपका स्वागत है। नमस्कार। सुरजेवाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। सुरजेवाला जी, हिसार को अगर डिफाइन करें सीधा, तो आखिर क्या है हिसार का टेस्ट? हिसार जो है उसके अंदर ज़्यादातर तो हिसार डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं जी, और उचाना जो है वो जींद जिला से जी उसके अंदर आता है, और एक भिवानी की सीट है भवानी खेड़ा भिवानी जी है। 7 जो है वो हिसार की जी है। तो बड़ा हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार की लोकसभा सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट रही है। पॉलिटिकल भी बहुत चर्चा में रहती है हमेशा हिसार, पॉलिटिकली मतलब साउंड जिसको कहते हैं, बिल्कुल। यहाँ से जो ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव लड़ चुके, कामयाब नहीं हुए थे, जो वीरेंद्र सिंह वहाँ से सांसद रहे, जयप्रकाश, जो भजन लाल रहे वहाँ से जी, और तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है हिसार, और प्रभाव डालती है ये फतेहाबाद, सिरसा, जींद डिस्ट्रिक्ट। हिसार भी प्रभावशाली है और हिसार के सांसद भी आजकल प्रभावशाली हैं। जेपी 2-3 बार पहले सांसद रह चुके हैं। हाँ, तो प्रभावशाली तो है ही। आजकल जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, और कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, इतना नहीं होना चाहिए जी। सभ्यता और संस्कृति हमें कुछ सिखलाती है। दरअसल मुझे लगता है कि जेपी के जो 7 के लोग होते हैं उनको वही टेस्ट पसंद है, जब जेपी बोलते हैं तो पीछे ताड़ियां मारते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था, कई बार क्या है कि जब नेता जब जिस लोगों के बीच घिरे होते हैं ना, वहाँ जो माहौल होता है, उस माहौल को अनकैश करने के लिए उन लोगों की भाषा, उन लोगों के टेस्ट को, हाँ, उसके हिसाब से बोलते हैं, जानबूझ के भी बोलते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे उनको देखा है, जो बड़े हैं और उन उस भीड़ में जैसे लोग होते हैं ना, उसी भाषा को और उसी टेस्ट को पकड़ते हैं। हाँ, मतलब जैसा लोग सुनना चाह रहे हैं करते हैं कोशिश, जैसा देश वैसा भेष करते हैं, ऐसा ये तोड़ हो गया इसका। हाँ, ऐसा होता है जी। चलिए, फिर भी सभ्यता और संस्कृति तो अपना जरूरी है, वो जरूरी है, और भाषा पे और जुबान पे तो काबू रखना ही चाहिए जी।
आप बहुत कुछ है मजाक में बोलने के लिए करने के लिए, लेकिन ऐसे शब्द जो है ना वो जो चुभे वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो जवान से चलाया तीर है या जीव का वार है वो दूर तक प्रतिवार करता है। तीर कमान से छूटा हुआ बाण और जवान से निकली बात बाणी वो वापस नहीं आती। ठीक है, अब बात कर रहे थे हिसार लोकसभा सीट की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मैंने जैसे बताया जी, तो अब भी वहाँ पर जो है जो माहौल है इस वक्त। अब एक एक करके सीटों पे आते हैं जी। जेपी सांसद बन गए वहाँ से जी, रंजीत सिंह चौटाला को हरा दिया। लगभग 48-50 हज़ार का गैप लगभग रहा था उनका जी, 62,000 गैप रहा था, 62,000 से उन्होंने रंजीत चौटाला को हरा दिया था जी। अब रंजीत चौटाला भी आजकल परेशान है और जेपी तो है ही जेपी, नहीं जेपी का तो पुत्र लड़ रहे हैं। हाँ, बेटे भी लड़ रहे हैं उनके। जेपी तो मैंने कहा जेपी तो जेपी है, जेपी तो जुबिलियंट है, खुश है बिल्कुल। चढ़ती कलाम है जो हिसार के 9 विधानसभा सीटें, अगर सिलसिलेवार बात करूँ, सबसे पहले हिसार लोकसभा का हेडक्वार्टर हिसार विधानसभा, प्रॉपर हिसार जी, पंजाबी बनिया मुझे वैश्य अग्रवाल, ये बाहुल्य सीट है ये जी। यहाँ से ज़्यादातर जो बने हैं वो वैश्य अग्रवाल या पंजाबी नेता बने हैं, ज़्यादा वैश्य, एक बार सैनी बने अग्रवाल वैश्य ज़्यादा बने। शुरू से इस चुनाव में जो मुकाबला चल रहा है वो कमल गुप्ता बीजेपी की कैंडिडेट हैं जी, और बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल की माताजी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सावित्री जिंदल जी, और राणा साहब यहाँ पर हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, पिछली बार भी थे जी। क्या लगता है? देखिए, हिसार किसी ज़माने में, शुरू शुरू मैंने कहा ना, बड़ी हॉट सीट रही है और खर्चे के हिसाब से भी हिसार को ये माना जाता था हरियाणा में सबसे खर्चीला चुनाव मांगा होता था, चुनाव जो होता था वो हिसार का होता था, उसके बाद कालका, जब लाला आ गए सारे तो सेठ आ गए। हाँ, बड़ा तो सेठों का चुनाव, उद्योगपतियों का शहर रहा है जी। तो उसके बाद कालका सीट थी, दो ही सीट ज़्यादा मानी जाती थी खर्चीली। तो ओम प्रकाश जिंदल जब उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया उसके बाद और ज़्यादा, उससे पहले तो खैर वहाँ पे बलवंत राय तायल रहे जी, हुन्नामल गोयल रहे वहाँ से, स्नेहलता जो थी वो रही, गुलाब सिंह जैन जी, सारे बड़े नाम, बड़े नाम अग्रवाल समाज से रहे हैं, बड़े नाम रहे बिल्कुल विधायक। एनी हाउ, चलिए अब वहाँ का जो आपने कहा कि नवीन जिंदल भाजपा के सांसद हैं, हाँ जी, उनकी माता श्री वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं जी, तो लोगों को बड़ा अटपटा सा लग रहा था। और अब भी क्या नवीन जिंदल अपनी माता जी की सपोर्ट में आएंगे या पार्टी के साथ जाएंगे? सुरजेवाला जी, मैं एक वेबसाइट पढ़ रहा था जी, उसमें आ रहा था कि सावित्री जिंदल की कांग्रेस में एंट्री तय हो गई थी जी, इसलिए कांग्रेस की लिस्ट भी वेटिंग में गई जी, नवीन जिंदल ने वो सारी रूपरेखा बना दी थी जी। इधर कमल गुप्ता को पता चल गया कि ये सब कुछ हो रहा है जी, तो कमल गुप्ता ने खेला कर दिया और एंट्री रुकवा दी सावित्री जिंदल की जी, ये कह करके कि कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े, नवीन जिंदल पर प्रेशर बन गया जी। और नवीन जिंदल ने कांग्रेस में ये डील की कि किसी वैश्य अग्रवाल नेता को चुनाव ना लड़ाए। बजरंगदास गर्ग का नाम बहुत ज़्यादा था चल रहा था, राणा साहब का नाम, तो राणा साहब ने तो अपने इंडिपेंडेंट के पर्चे भी छपवा लिए थे जी कि अगर टिकट मिलेगी नहीं आज़ाद चुनाव लड़ना है, कुमारी सैलजा के समर्थक हैं जी जी। और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत और नाम था वो महाजन साहब के पोते का था, पर आ गए राणा साहब। अब चुनाव के अंदर एंट्री, आप जो कह रहे हैं भीतर की अंदर की अंदरूनी बातें जो निकल के आती हैं उसमें, तो ये भी जो बाद का है जी, आपने तो प्री टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बताया मैंने आपको, पोस्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ये जो बात सामने आ रही है और वो भाजपा के सर्कल से आ रही है कि जो भाजपा का नेतृत्व था, खट्टर साहब थे या और दूसरे, वो नहीं चाहते थे कमल गुप्ता को टिकट मिले जी, वो आरएसएस के दबाव से उनको टिकट तो देना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इन्होंने एक और जो खेल खेला कि सावित्री को, जिंदल को जो है ना मैदान में उतारा जाए, उसको नीचे से भाजपा के जो वर्कर हैं सपोर्ट करें, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाए और उसके बाद वो जीतने के बाद भाजपा का समर्थन में आ जाए। वो समर्थन की बात तब आएगी जब किसी सरकार बनने की तरफ होंगे, ना भी हो चलिए। अब ये जो भाजपा का सर्कल है उसमें ये इस बात की पूरी चर्चा है।
क्या लगता है अब चुनाव का माहौल क्या है वहाँ? अब चुनाव का माहौल सावित्री जिंदल का जो है ना, जिंदल परिवार जी, उसका एक बहुत बड़ा वहाँ पे प्रभाव है जी। हिसार शहर में बहुत से तो इनकी इंडस्ट्री में, इनके हॉस्पिटल एम्प्लॉयज हैं, बहुत लोगों को रोजगार दिया हुआ है, स्कूल भी है, लोगों का अप्रोच काम पढ़ते रहते हैं, तो इस परिवार का काफ़ी वहाँ पे प्रभाव है राजनीतिक उस पर। तो मतलब परिवेश अपर हैंड सावित्री जिंदल है वहाँ पर? हाँ, इस वक्त सावित्री जिंदल, शुरू में तो ये कहा गया कि तिकोना मुकाबला है, और लेकिन जो हवा फिजा वहाँ की बता रही है, कमल गुप्ता बहुत पीछे है। मतलब सावित्री जिंदल का मुकाबला आप समझते हैं राणा साहब से है या राणा से? राणा से। सावित्री जिंदल को ग्रीन सिग्नल दे दें चंडीगढ़ की हवा फिजा यही कह रही है कि उनका वो अपर हैंड है। हिसार की हवा बता रही है कि सावित्री जिंदल अपर हैंड है, तो सावित्री जिंदल को हम भी अपर हैंड देते हैं, ग्रीन सिग्नल है, ये चंडीगढ़ जा सकती हैं, चुनाव जीत सकती हैं, और कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। अगली विधानसभा की बात करते हैं आपसे, आदमपुर जी। आदमपुर मीन्स चौधरी भजनलाल परिवार, चौधरी भजनलाल मान लें जी। नहीं, आदमपुर का जो चुनाव होता है वो प्रो भजनलाल और एंटी भजनलाल, एंटी भजनलाल मान लिया बिल्कुल, तो वहाँ का हमेशा से ऐसा ही चुनाव रहा है। चौधरी भजनलाल का आदमपुर में बहुत ही मान सम्मान है, आज भी लोग उनके किए हुए कामों को याद करते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी साख है। चौधरी भजनलाल के नाम पर कांग्रेस से या बीजेपी से या कहीं से लड़िए या हजका से, चौधरी भजनलाल परिवार हारा नहीं चुनाव आज तक कोई भी। नहीं, पीछे इनका यही पोता दुष्यंत के मुकाबले में दो लोकसभा में ना, लोकसभा मैं विधानसभा कह रहा हूँ जी। हाँ, विधानसभा तो इन्होंने वहीं से लड़ा है, विधानसभा में कभी नहीं हारे। लोकसभा में तो आदमपुर पीछे रहे दुष्यंत से, मुझे पता है ब्रजेंद्र सिंह से पीछे रहे और दुष्यंत से पीछे रहे, पीछे रहे, चुनाव भी हारे तीसरे नंबर पर, चुनाव भी हारे लोकसभा के अंदर, विधानसभा को हारे। आदमपुर में अब जो चुनाव है, भव्य बिश्नोई तो कैंडिडेट हैं चौधरी भजनलाल के पोते जी, बीजेपी से, आईएएस पत्नी है उनकी जी, और उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश रामजीलाल जांगड़ा के भतीजे हैं जी। रामजीलाल जांगड़ा का परिवार, रामजीलाल जांगड़ा जी चौधरी भजनलाल के बहुत क्लोज हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा उनके नज़दीक थे वो जी चौधरी भजनलाल के, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद रामजीलाल जी को वहाँ उस परिवार में जो है वो तवज्जो, वो तवक्को जो मिलनी थी वो नहीं मिली, जो मिलती रही वो नहीं मिली, तो वो निराश होकर के उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था श्री रामजीलाल ने। चंद्र प्रकाश जी बड़े सॉफ्ट आईएएस माने जाते हैं। हाँ, अच्छे उनकी जो साख है वो ईमानदार वाली साख है, अच्छे अधिकारी रहे हैं, अच्छे अधिकारी रहे हैं जी। उनको मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उनको मुझे लगता है सूचना आयुक्त बनाया था जी रिटायरमेंट के बाद जी, तो वहाँ भी उनकी जब वो अच्छा कार्यकाल रहा था, अच्छा तभी मिलती है उनको, लेके जाते हैं वहाँ पे। उससे पहले वो रोहतक डिवीजन के हुड्डा साहब के समय वो आयुक्त भी रहे हैं जी। इनेलो से लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ पर मास्टर हरि सिंह के बेटे, बेटे मास्टर हरि सिंह भी कभी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में इनेलो में जी जो चाणक्य थे उसके अंदर रहा करते थे, नीति निर्धारक तो नहीं कहिए बट उनके साथ थे, ये नीति निर्धारक बनाते थे। नीति निर्धारक तो चौटाला साहब के सामने क्या कोई भी नहीं हो सकता, ये बात भी ठीक है, तो ये बात भी ठीक है, पची नहीं सकती उनको क्या मास्टर हरि सिंह क्या उनको, चलो ये कहते हैं कि उस परिवार के बहुत नजदीक रखते थे अपने साथ। हाँ, उनको प्रभारी बना के रखते थे कहीं ना कहीं, ये सब कुछ कहीं बुलवाना हो, कहीं किसी को भला बुरा कहलवाना हो तो सभी नेता सभी करते हैं। तो आदमपुर क्या लग रहा है चुनाव, क्या लगता है चुनाव क्या? आदमपुर से भजनलाल का जो है दबदबा, गढ़ टूटेगा या नहीं टूटेगा मुश्किल है, उसका नाम अभी तक चल रहा है। अभी तक तो चौधरी भजनलाल की कमाई जो है वो परिवार अभी तक खा रहा है, अदरवाइज अपना खुद का उनका कुछ नहीं है। बात चल रही थी सुभाष चंद्रा का एक वीडियो वायरल था जी, और वो कह रहे थे कि भाई मैं भव्या के खिलाफ काम कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बात चल रही थी, मुझे भी सुनने में आया था, आपने भी सुना होगा जी। क्या असर है सुभाष चंद्रा का अभी आदमपुर में? होता है, बाकी ज़्यादा नहीं, नुकसान ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत है उनका, चूँकि अग्रोवा जो है वहाँ पे उन्होंने अग्रोवा के अंदर जो अग्रवाल समाज है वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, अग्रोवा आदमपुर में आता है जी जी,
तो वहाँ पे उनका अच्छा वो है, उस इलाके में नाम तो है ही, जी जी, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, उनका अपना है, बट कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके उधर जाने से या उनके ऐसा बोलने से वो सीट में एकदम से विपरीत कोई तो मतलब फैसला आ जाए। चौधरी भजन लाल का नाम का फायदा, हाँ वो सीट कंफर्म समझे या टक्कर समझे? लगभग टक्कर है, नहीं टक्कर नहीं है, मैं समझता हूँ कि जीत है। येलो लाइट दें या ग्रीन लाइट दें? ग्रीन दे दी जाए, ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। चंद्र भव्य बिश्नोई भी यानी कि चुनाव जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। तो भव्य बिश्नोई भी चुनाव जीत सकते हैं दूसरी बार, उपचुनाव पहला चुन जीता और अब वो दूसरी बार आम चुनाव में मैदान में है। जी, तीसरी विधानसभा सीट है बरवाला। जी, बरवाला जोगीराम सिहाग नाम आता है उनका। हाँ, वो पहले जेजेपी से एमएलए रहे, जेजेपी से थे और अब वो अब तो वो बीजेपी में शामिल हुए टिकट के, वो कह दे ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। जी, चुनाव लड़ नहीं रहे शायद? नहीं, रणवीर सिंह गंगवा को टिकट दिया है जी, रिप्लेस किया है उनको नलवा से बरवाला, बरवाला में। क्या जोर तान पड़ी होगी भाजपा को रिप्लेस करने की? देखिए वहाँ पे नलवा में उनको कुछ एंटी इनक्यूम्बेंसी फैक्टर तो हो ही जाता है, थोड़ा सा रहा है, पर बरवाला को ये मान के चला जाता है कि वहाँ पे जो प्रजापति जाति के वोटर काफ़ी संख्या में है, पंजाबी वोटर भी काफ़ी हैं। हाँ, पंजाबी तो सिर्फ शहर में है, शहर वेद नारंग चुनाव जीत गए थे वहाँ से, तो वोटर होंगे तो ही बने होंगे। बरवाला के अंदर जो है वो बहुसंख्या ही पंजाबियों की है, बरवाला शहर में, शहर में जी सबसे ज़्यादा पंजाबी है, पंजाबी है बरवाला में। बाकी यूँ तो एक आध गांव है, खेड़ी बरकी में है दो चार घर, दो चार और है, बाकी कुछ हिसार के जो सेक्टर हैं उनमें भी पंजाबी है। लेकिन अब चूंकि पार्टी जो टिकट देती है वो कास्ट बेसिस, कास्ट फैक्टर को बहुत कुछ होता है कि भाई एक प्रजापति को देना है, एक दूसरी जाति को अकोमोडेट करना है, तो अब इनके साथ थे वो नलवा और डिप्टी स्पीकर रहे जी, तो नलवा से चौटाला साहब की पार्टी में हुआ करते थे कभी, वहाँ से घूम घुमा के गए वो, पहले राज्यसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर थे इनेलो से, उसके बाद विधायक बने। तो रामनिवास घोड़ेला है यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट, जो पहले भी एक बार पहले भी एमएलए विधायक रह चुके हैं। इनके सामने दो कैंडिडेटों का नाम लेना और भी जरूरी है जी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं छत्रपाल जी, ग्राह के एमएलए थे 1991 में, चौधरी देवीलाल को हराया था, बड़ा नाम बन गए थे बिल्कुल, उसके बाद कहीं खो गए। इनके ताऊजी थे शायद, या चाचा थे मेरे ख्याल, ताऊजी थे शायद, जो मनफूल सिंह जी, उन्होंने उस वक्त चौधरी सूरजमल को हराया था 1962 में, और चौधरी सूरजमल का उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते थे पंजाब के अंदर, बहुत बड़ा नाम था इलाके में, उनका बड़ा रुतबा था जी। तो मतलब दिग्गजों को हराने वाला परिवार रहा है। हाँ, इनका बहुत बड़ा परिवार है, इनके 5 गांव हैं, कुंडू के जो है, फरीदपुर, किनाड़ा और इनका अपना गांव जी, तो बड़ा परिवार था और वो 5 गांव इकट्ठे होकर के, और उन्होंने उस वक्त सारा समीकरण बदल दिया था, जो सूरजमल को हराया था, देवीलाल जी की लहर थी। अब समीकरण बदल सकते हैं वहाँ पर कुछ क्या? बिल्कुल नहीं। संजना और कैंडिडेट है इनेलो से जी, कांग्रेस में टिकट मांग रही थी, नहीं मिली तो यहाँ गई जी। क्या लगता है मुकाबला आमने सामने का या कोई तिकोनी चुकोनी बन सकता है? मुकाबला आमने सामने का ही है, नलबार घोड़ेला में कांग्रेस और बीजेपी। एजोन किसको मान के चले, अपर हैंड कौन सा? कांग्रेस, रामनिवास घोड़ेला चुनाव जीत सकते हैं? हाँ, संजना जो है वो नया चेहरा है, पढ़ी लिखी लड़की है और किसान आंदोलन में भी वो उसका नाम था, भाग लिया था, बिल्कुल था, और लोगों के बीच में आना जाना उसने रखा है, लेकिन टिकट की चाहना में वो बहुत देर से चुनाव, और वो भी फिर उन्होंने एकदम जब टिकट नहीं मिला तो इनेलो की टिकट ले लिया, कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये है कि उसके बाद अगर कोई प्रेजेंस दर्ज करा लेंगी अपनी, हाँ उसके बाद, उसके बाद प्रेजेंस करा लेंगी आप पार्टी से जो है छत्रपाल से, वो ज़्यादा वोट हासिल करेंगे। अच्छा, मतलब ये छत्रपाल चौथे नंबर पर जा सकते हैं जी, रिकॉर्ड बनाने वाले पीछे का रिकॉर्ड अब। हाँ चलिए जी, तो घोड़ेला साहब को, रामनिवास घोड़ेला को माना जाए, हरी झंडी मिल दी जाए उनको, अब वो सीट निकाल चुनाव जीत सकते हैं। तो रामनिवास घोड़ेला को ग्रीन सिग्नल है, उनकी गाड़ी सरपट चंडीगढ़ जा सकती है। अगली बात करते हैं उकलाना विधानसभा जी, अनूप धनक जी 2014 में विधायक, 2019 में विधायक, 2014 में इनेलो से विधायक,
परिवार टूटा, अजय सिंह चौटाला के अनन्य भक्त साथ में चले गए जेजेपी के जी। दुष्यंत चौटाला के बाद जो दूसरे मंत्री बने सरकार बनते ही अनूप धानक, बिल्कुल नैना चौटाला कह रही है काला नाक, अब तू कह रही है उस वक्त तो अपना पुत्र मानती कह रही है चप्पल में भी छेद थे उस वक्त तो अपना पुत्र मानती। वैसे ये राजनेताओं की क्या बात है, मतलब एक गरीब आदमी, एक गरीब परिवार का आदमी, एक दलित आदमी, आप उसका इस तरह मजाक उड़ाते हैं। अब चप्पल की बात आप ना ही करें तो अच्छा है। मैं कुछ और बात मुझे मेरे जहन में आप कह दीजिए, शॉर्ट में कह दीजिए। नहीं वो असभ्य है। चलिए चलिए, असभ्य बात करते हैं तो खुद के चप्पलों को भी तो देख लें, खुद के चप्पलों को भी तो देख लें जो उनके बारे में, खुद के बारे में क्या कहा जाता है। खैर छोड़िए इन बातों को, बात यह है कि जो इस तरह की भाषा कुछ भी हो वो साथ नहीं है, छोड़ के चला गया। हाँ ये नहीं होना चाहिए, इस टाइप का व्यवहार होना तो वो भी नहीं चाहिए जो उनके पार्ट पे हुआ है, छोड़ के जाना और अनूप धानक को भी नहीं कर। हाँ, लेकिन जो चला गया तो उसके लिए फिर अब शब्द और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। अनूप धानक चले गए बीजेपी में जी, चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से जी, लोग उनको हाथ मार मार के कह रहे हैं कि तेरे को नहीं जीतने देंगे, बिल्कुल गांवों में घुसने नहीं दे रहे, बिल्कुल। नरेश सेलवाल है कैंडिडेट यहाँ पर जी, कांग्रेस से जी, चुनाव लड़ना चाहती थी शैलजा या अपने परिवार से किसी को जी, आ गए नरेश सेलवाल जी। कैसा इलेक्शन लड़ रहा है? इनके परिवार से ही, इनके परिवार से हैं और पहले विधायक रहे, और शैलजा जी ने ही इनको उस वक्त टिकट दिलवाया था और इनको विधायक बनवाया था जी, उन्हीं के उससे है ये। और ये ठीक है कि वक्त के साथ जब आदमी की वो बदलती रहती हैं लॉयल्टी या कुछ नज़दीकियाँ दूरियाँ, राजनीति में सब चलता है जी, तो हो सकता है शैलजा जी इसके बजाय दूसरे को तवज्जो देना चाह रही हूँ। सीमा गैबीपुर थी कैंडिडेट वहाँ पर बीजेपी की पिछली बार जी, अब की बार मुझे लगता है बीजेपी को अलविदा कह गई और जी शायद कांग्रेस में आजकल जी। क्या लगता है चुनाव में? वो उनके पति यहाँ हमारे फरीदाबाद में भी एक्शन इसमें B&R डिपार्टमेंट में रहे हैं, सीमा गैबीपुर के। यस जी, और ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है वहाँ। तो इन दोनों में क्या लगता है, नरेश सेलवार अनूप धानक जी, क्या लगता है चुनावी फाइट? ना कोई टाइट वाली पोजीशन नहीं, कोई टाइट नहीं, ना आराम से जीत रहे हैं। हाँ नरेश सेलवाल के लिए हरी झंडी है जी, चंडीगढ़ पहुँचेंगे। हाँ लग यही रहा है, तो नरेश सेलवाल के लिए भी हरी झंडी है, विधायक बनकर चंडीगढ़ पहुँच सकते हैं। अगली विधानसभा की बात करते हैं, नारनौंद जी चर्चाओं में रहती है हमेशा। नारनौंद बड़ा वो रहा है शुरू से, वहाँ से जो स्वरूप सिंह जो डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, प्रॉपर्टी मिनिस्टर रहे, बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा 1952 से, वहाँ से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंद, वीरेंद्र सिंह नारनौंद जी वो लोकदल से होते थे किसी वक्त, जो देवीलाल के बहुत बहुत क्लोज नज़दीक रहे, उनके बेटे टिकट मांग रहे थे डॉक्टर अजय, बाद में वो छोड़ के और कांग्रेस में चले गए, दो चुनाव लड़े लेकिन कांग्रेस में वो विधायक नहीं बन पाए। और इसी तरह जसवंत सिंह खांडा वो भी वहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे दो बार, जो सूरजमल के बेटे जी खुद खांडा, और खांडा शाही बड़ी वो रही है हरियाणा की राजनीति में जी, चूँकि चोश रूप सिंह खांडा गांव से थे, चौधरी सूरजमल वो खांडा गांव से थे, चौधरी दलबीर सिंह के ससुराल है जी, शैलजा जी के जो नानका है उनके, वो खांडा गांव से है, और अमर सिंह धानक वो भी खांडा गांव से थे, बड़ा गांव मतलब खांडा गांव। अमर सिंह धानक ने उस वक्त 1962 में चौधरी दलबीर सिंह को हराया था, और वो पहली दफ़ा राजनीति में आए थे, बिल्कुल नौजवान थे, और कई बार उनका जो स्टाइल लोगों को बड़ा भाग गया था, बड़ा पसंद आया था। वो एक बोरी रखते थे और एक मग ऐसा, वो फौजी रखते हैं ना, वो हम पिक्चर में भी दिखाया गया था। हाँ, 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 वो जो तामचीनी का बोलते हैं जिसको, हाँ अमिताभ बच्चन लेके चल, हाँ वो फौजियों का वो हाँ। वो रखते थे वो, और जहाँ भी जाते थे वो कहते मैं नीचे ही बैठूंगा, जैसे जगदीश नायर ने किया हमारे होटल में। बहुत आजकल हरेंद्र कर रहा है, लंबा लेट रहा है, आजकल की तो पूछिए मत, बताऊंगा अगली एक वीडियो में चर्चा करेंगे इस बात की भी, सुबह आते हैं लंबवत हो जाते हैं, एक वीडियो में चर्चा करेंगे अभी इसी पे करते हैं। तो एनी हाउ वो भी वहीं से थे हमारे अमर सिंह धानक जी, नारनौंद में मंत्री रहे जी,
तो खांडा गांव का बड़ा वजूद रहा है और अब कैप्टन अभिमन्यु जी वो उसी गांव से है। 2014 में विधायक बन गए कैप्टन अभिमन्यु। राजनीति में पहले आए थे वो, पहले रोहतक से उन्होंने चुनाव लड़ते रहे, लोकसभा का भी लड़ा, हारे, दो बार हारे जी। तो और उस वक्त 2014 में वो जीत वित्त मंत्री थे और बड़े महत्वपूर्ण विभाग रहा उसके बाद में, कार्य भी उन्होंने हल्के में लोग जैसे कहते हैं। उसके बाद में 2019 में निपट गए या निपटा दिए गए जो भी हुआ, और उसके कई फैक्टर थे जो किसान आंदोलन और कई चीज जाट आंदोलन आरक्षण उसमें उनको काफी भुगतना पड़ा। तो यहाँ से जो कैंडिडेट हैं रामकुमार गौतम थे वो भी चर्चा में रहते थे, वो पलायन कर गए और उनको भेज दिया गया सफीदों जी। अभी बात कर लेते हैं नारनौंद की जी। जस्सी पेटवार यहाँ से कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जी, कभी युवा लोकदल में इनेलो में अध्यक्ष हुआ करते थे यूथ के। कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पर कैंडिडेट हैं बीजेपी की, और उमेद लोहान यहाँ पर कैंडिडेट है इंडियन नेशनल लोकदल के जी। उमेद लोहान भी एक ठीक ठाक नाम रहा है, अच्छा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं यूथ इनेलो के, और कभी बरवाला से चुनाव लड़वाने भेजा था इनको जी, धीरा के सामने चुनाव लड़े थे, बिल्कुल जेपी बिल्कुल, के भाई के सामने बिल्कुल बिल्कुल। तो उमेद लोहान भी कैडर बेस वर्कर है, कैडर बेस कार्यकर्ता है, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा है और उनका बोलबाला है इलाके में। नारनौंद क्या लगता है चुनाव का? देखिए नारनौंद बड़ा एक टिपिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोग वहाँ के जो है वो अपने आप में, हर आदमी अपने आप गरूर में रहता है, चौधरी है हाँ गरूर में रहता है, वो किसी की बात का उन पे असर नहीं मानते, वो कि भी कोई और आएगा असर डाल देगा तो वो बहक जाएंगे या मान जाएंगे, उनका अपना निर्णय होता है। जो किसान आंदोलन, चूंकि देखिए हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे किसानी उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो ये किसान आंदोलन चला उसने हरियाणा में एक ऐसी माहौल तैयार कर दिया कि भाजपा सरकार के खिलाफ, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा, अब नारनौंद के अंदर 48% जाट वोट है और वो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, लंबा चौड़ा नारनौंद को छोड़ के कोई शहर नहीं उसमें, शिशाए बहुत बड़ा गांव है इटसेल्फ, बास बहुत बड़ा गांव है इसी के अंदर, पेटवाड़ बहुत बड़ा गांव है इसी के अंदर, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े बड़े गाँव हैं और सारे ही कृषि से जुड़े हुए हैं और वो किसान आंदोलन का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये 2014 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से लोकसभा का और दुष्यंत इनेलो से लड़ रहे थे, तो बाकी सीट पे तो वो आगे थे लेकिन नारनौंद और उचाना इन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया था। खेल क्या बिगाड़ा, बाजी पलट दी और उनको बिल्कुल। तो नारनौंद अब क्या लगता है, अब के चुनाव में भी पार्लियामेंट में भी यही रहा, अब विधानसभा में क्या लगता है? जस्सी पेटवार विधानसभा में, मैंने बताया ना वहाँ किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव है, इस वक्त जो किसान है वो भाजपा से बहुत सख्त, बीजेपी को तो अभिमन्यु साहब की तो दिक्कत, अभिमन्यु साहब का बारे में हर कोई ये कहता है कि जहाँ तक सार्वजनिक काम है बहुत करवाए, कॉलेजेस बनवाए, आईटीज बनवाई, सड़कें बनवाई, सार्वजनिक काम करने में उनकी कोई कमी नहीं रही, लोग उनको याद करते हैं, और वैसे भी वो एक बड़ा चेहरा है और सुलझे हुए नेता है और अच्छा नाम है उनका, लेकिन लोग ये कहते हैं वो टिकट गलत है उनके पास, पार्टी गलत है, मतलब बीजेपी नहीं चाहिए। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि हम उनकी तरफ जाना चाहते हैं लेकिन जब वो भाजपा के नेताओं को यशस्वी ओजस्वी बड़े बड़े तेजस्वी इस्तेमाल करते हैं मोदी जी के लिए, खट्टर साहब के लिए, जब हमारे कहते हैं नमक हमारी जख्मों में नमक छिड़क देते हैं इसलिए फिर हम उनसे दूर हो जाते हैं, तो उनका तो सिर्फ इस बात से विरोध है। अच्छा, तो उस विरोध के नाते वो पिछड़ रहे हैं, पिछड़ गए। जस्सी पेटवार या उमेद लोहान? उमेद लोहान का नाम है लेकिन वो वही बात है, पार्टी का जो है ना इस वक्त लोगों ने ये ठाना हुआ है कि कांग्रेस की सरकार लानी है। तो जस्सी पेटवार चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। हाँ, तो जस्सी पेटवार के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए, चुनाव जीत सकते हैं और चंडीगढ़ जीत रहे हैं। हाँ, मैं तो यही मानता हूँ। इन्होंने तो हरी झंडी भी, जो सुरजेवाला जी कह रहे हैं ग्रीन सिग्नल भी टाइट वाला है, अच्छा हरा रंग, ठीक है जी। अगली विधानसभा की बात करते हैं तो उचाना जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खां, दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, ये तमाम नेताओं की नगरी रही है हमेशा ही। बृजेंद्र सिंह कैंडिडेट हैं उचाना से जी,
सांसद बनने के बाद विधायक बनने की दौड़ में जी, अगर मैं कह दूं डीएम से एसडीएम कुछ भी कहिए, अगर वो मंत्री बनेंगे तो फिर डीएम हो जाएंगे, डीएम नहीं फिर कमिश्नर हो जाएंगे, कमिश्नर हो जाएंगे। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे जी, चुनाव मैदान में फिर से जी। वीरेंद्र घोघड़िया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जी, नाम बहुत चल रहा है उनका भी जी। और देवेंद्र अत्री भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बिल्कुल। क्या मानते हैं, क्या मुकाबला है? अच्छा दुष्यंत का क्या रहेगा? देखिए ऐसा है, उचाना बड़ी हॉट सीट रही है। 1977 में ये सीट अलग से नरवाना से हट करके एक नई सीट बनाई गई, नया विधानसभा क्षेत्र। तब वहाँ पहली बार चौधरी वीरेंद्र सिंह वहाँ से विधायक बने, जबकि कांग्रेस के तीन ही विधायक थे असल, उनमें से चौधरी वीरेंद्र सिंह। और उनका ये गृह क्षेत्र है, बड़ा नाम रहा है उनका, अपनी पकड़ है। वो 2005 में मंत्री रहे, वित्त मंत्री थे, 9 में वो हार गए, ओम प्रकाश चौटाला जी वहाँ। ये हुआ वीरेंद्र सिंह जीते और चौटाला को हराया, बड़े चौटाला साहब को। बड़े चौटाला साहब जीते, वीरेंद्र सिंह को फिर उन्होंने 9 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको हराया। भाई हरा दे, वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता जीती, दुष्यंत को हराया जी, दुष्यंत जीते, प्रेमलता को हराया। ब्रजेंद्र सांसद बने, दुष्यंत को हराया जी। अब एक बार फिर आमने सामने है, क्या लगता है? फिर दुष्यंत ने प्रेमलता को हराया? नहीं, वो प्रेमलता मैंने बता दिया, दुष्यंत प्रेमलता दोनों का हो गया। अब ब्रजेंद्र और दुष्यंत का चुनाव आमने सामने का, एक हो चुका पहले सांसद में, अब दुष्यंत हार गए, नहीं ठहरते, दूसरी हार चर्चा में नहीं है। ब्रजेंद्र से दूसरी हार, हार तो कहिए ना इस बात को, तो उनका चर्चा ही नहीं है। अच्छा, चौथे या पांचवें नंबर जमानत बच जाएगी उसके लिए, जैसे हालात है। लोग कह रहे हैं कि जितने वोटों से जीते थे उसका 10वां हिस्सा भी नहीं मिल रहा, ऐसा भी कुछ है क्या? 50,000 जीते थे एग्जैक्टली, वो 5,000 का लोग आंकड़ा। मुकाबला किसमें मानते हैं, ब्रजेंद्र सिंह का, वीरेंद्र सिंह घोघड़िया या देवेंद्र अत्री? लोग तिकोड़ा मुकाबला कह रहे हैं, शुरू में तो ये लगता था कि बीजेपी के साथ है जाएंगे, अल्टीमेटली मुझे भी लगता है आखिर में मुकाबला बीजेपी से हो जाएगा जी। लेकिन तीसरा जो है तिकोड़िया, जो लोग कह रहे हैं वीरेंद्र घोघड़िया, ये बीच में एक नया नाम आया है, जो कांग्रेस में ही होते थे, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में चले गए थे तो इनका नाम चला था, तो ये अपना इन्होंने जो उन्हीं के वो होते थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के वो होते थे वर्कर, तब इन्होंने अपना अलग से रुतबा कायम किया और लोगों को आना जाना बीच में रखा, अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। आज ठीक है, कुछ उनका नाम चल रहा है, समर्थन मिल रहा है, लेकिन लगता है मुझे धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, मतलब फाइट कांग्रेस और बीजेपी में, मुझे ऐसा ही लगता है। और कांग्रेस ब्रजेंद्र सिंह चुनाव जीत जाएंगे, जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगती, मतलब चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे ब्रजेंद्र सिंह, चंडीगढ़ जाएंगे, जैसा आपने कहा एसडीएम से वो सीधे डिविजनल कमिश्नर बनने का उनका है। चलिए देख, वो तो समय बताएगा जी। ब्रजेंद्र सिंह के लिए भी हरी सिग्नल है, चुनाव जीत सकते हैं जी। अगली विधानसभा की बात करते हैं, नलवा जी, रणबीर गंगवा, मैंने पहले बताया शिफ्ट कर दिया उनको जी जी। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, रणधीर पनिहार जी यार कुलदीप बिश्नोई के बहुत क्लोज हैं जी, चौधरी हरिलाल परिवार के नज़दीक हैं जी। और कांग्रेस से कैंडिडेट हैं अनिल मान जी, पनिहार का वहाँ विरोध भी हो रहा है जी। नलवा में चुनाव कैसा लगता है? प्रोफेसर संपत सिंह लड़ना चाह रहे थे, उनको मना लिया गया। जो संपत सिंह हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा जाना पहचाना बड़ा नाम है और सुलझे हुए नेता है, अव्वल तो उनको कांग्रेस पार्टी का जैसा लोगों की चाहना थी और था टिकट मिलता कांग्रेस की तरफ से जो है ना लोकसभा का जी, चलिए उस वक्त लोकसभा का टिकट उनको नहीं मिला। अब उनके बारे में यही था कि भाई वो या उनके बेटे को जो है ना नलवा से टिकट दिया जाएगा। वो चाहे संपत सिंह का ऐसा है कि वो अगर फतेहाबाद से भी लड़े, आदमपुर से भी लड़े, आदमपुर भी ठीक है सर, नलवा से भी लड़े तो लड़ सकते हैं, पर अब लड़वाया कहीं भी नहीं क्योंकि वो उनका उस पूरे इलाके में नाम रहा है और प्रभाव है। अब उनको टिकट नहीं दिया गया और एक नया चेहरा अनिल मान जो दो स्कूल चलाते हैं वहीं पे, और थे तो वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से कथूरा गांव से और वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं जी, तो वो नया चेहरा है। और रणधीर पनिहार का जहाँ तक जिक्र है, उनके पीछे तो सिर्फ एक ही वो है बैक के भाई, वो कुलदीप बिश्नोई,
कि कुलदीप बिश्नोई का आदमी वही टिकट उन्हें को मिला है। हाँ, क्या लगता है मुकाबला कैसा? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ पे अपनी बाजी मारेगी, अनिल मान चुनाव जीत जाएंगे। मान जो है ना वो येलो लाइट दें या ग्रीन सिग्नल दें? ग्रीन दिया जाएगा, अनिल मान चुनाव जीत सकते हैं। ग्रीन सिग्नल अनिल मान के लिए भी। सातवीं विधानसभा हुई, आठवीं बात आती है हांसी जी। विनोद भयाना जी एमएलए हैं जी, 2009 में एमएलए थे और अब 2019 में। वो कौन सी पार्टी थी? हरियाणा जनहित कांग्रेस। जनहित, फिर वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में चले गए, फिर भाजपा में आए, फिर भाजपा में आए। कांग्रेस में तो तभी चले गए थे, हाँ, चुनाव के तुरंत पश्चात। तुरंत पश्चात ही संसदीय सचिव रहे थे जी। और यहाँ पर जो टिकट बीजेपी के विनोद भयाना के पास है, जो कांग्रेस का टिकट है वो है रोहित मक्कड़ जी। वो अमीर चंद मक्कड़ वहाँ से एमएलए हुआ करते थे, उनके दो बार एमएलए रहे हैं, दो बार एमएलए रहे हैं, बड़ा नाम रहा अमीर चंद मक्कड़ का। अमीर चंद मक्कड़ को मैं पर्सनल तौर पर जानता हूँ, वो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। मैं भी मिला था उनसे एक बार। सज्जन थे, ईमानदार थे जी, और मिलनसार थे जी। तो वैसे वो समाजवादी थे, किसी वक्त वो सोशलिस्ट पार्टी के होते थे और बाद में वो कांग्रेस में रहे। तो अमीर चंद मक्कड़ का अच्छा नाम रहा है। तो मैंने सुना था हांसी से टिकट चाहते थे कर्नल वत्स। कर्नल वत्स चाहना तो घूम रहे थे, उनको टिकट भाजपा के दो तीन दरवाजों पे गए थे। हाँ। अच्छा, हांसी के लिए भी कहते हैं कि विनोद भयाना की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। इनका गांव लोहारी आ जाता है, नारलोंद के पास पड़ता है हांसी में। तो इनके पिताजी थे, वो अच्छे जमींदार टाइप थे और अच्छा रहा है उनका। तो अच्छे वीरेंद्र सिंह के साथ होते थे कभी, विधायक तो कभी नहीं बने, बेटा ही विधायक बना वो नहीं। तो उनके पुत्र हैं ये, अच्छा नाम रहा था चलिए। लेकिन एंटी इनक्यूमेंसी पिछले दिनों हांसी में जो था इनका अपना जो एक रवैया रहा है ना, वो सख्त सा रवैया रखा है, पोलाइट नहीं थे, लोगों से मिलनसार नहीं थे। जैसा कि मक्कड़ परिवार है वो बहुत पोलाइट और बहुत ही वो है उनका। तो लगता है कि ये लूज करेंगे, मान के चलें कि नया चेहरा है मक्कड़ साहब चुनाव जीत सकते हैं, रोहित मक्कड़। तो कांग्रेस के रोहित मक्कड़ को ग्रीन सिग्नल है, चुनाव जीत सकते हैं। अंतिम सीट भिवानी जिले की बबाली खेड़ा हिसार लोकसभा के अंदर जी। भाजपा ने अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया है, कपूर वाल्मीकि, कपूर वाल्मीकि कर दिए, विशंबर वाल्मीकि जी का जी। फौजी का नाम चलता था, उनको टिकट मिला नहीं जी। और कांग्रेस का टिकट वहाँ पर मिला है प्रदीप नरवाल को जी। प्रदीप नरवाल को लेकर के भी वहाँ बहुत बातें चली जी, लेकिन अब आखिर में टिकट मिल गया। कैसा लग रहा है, मुकाबला क्या है? देखिए, दोनों टिकट के बारे में लोगों के बीच में बड़ा अटपटा सा रहा। कांग्रेस की टिकट का भी अंदाजा नहीं था कि ये टिकट इनको मिलेगा, और ऐसे भाजपा का भी तय माना जा रहा था कि विशंबर वाल्मीकि को। और ये प्रदीप नरवाल का नाम एक बार चला था लोकसभा के लिए भी जी, जब लोकसभा के टिकट की बात चलती थी जी। प्रदीप नरवाल स्टूडेंट्स यूनियन छात्र नेता NSUI से जुड़े रहे जी। राहुल गांधी की जो यात्रा थी जी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके अंदर भी बहुत बड़ा पार्ट था। नहीं, हाईकमान में अच्छा प्रभाव रखा, अच्छा है, प्रभाव है। और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का गांव है, कथुरा शायद है, वहाँ से आते हैं जी। टिकट मिला है भवानी खेड़ा से जी। और इनके इनका अंबाला लोकसभा में नाम चला था इनका, मैं बता रहा था आपको, अंबाला लोकसभा में नाम चला था इनका। और कपूर वाल्मीकि वहीं से है, कपूर वाल्मीकि नेचरा। क्या एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी की थी जी, चुनाव जीत गए वो 9 में भी, 14 में भी, 19 में भी, विशंबर वाल्मीकि जी। हवा खराब थी तो भी जीत गए थे जी। और इधर अगर बात आ जाती है कांग्रेस का जो चेहरा है वो, उसकी पकड़ आला कमान में अच्छी है जी। फायदा किसको मिलेगा? देखिए, दोनों चेहरे नए हैं और लोगों में शुरू में तो यही था, बट जैसा पार्टी की जो इस वक्त जो चल रहा है, लोगों के जहन में जो हो रहा है कि वे सरकार एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है। बिल्कुल, मैं आपने पहले भी एक सवाल किया था। हाँ, चेहरे बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चेहरों जो वहाँ के स्थानीय जो नेता थे, विधायक थे, उनके खिलाफ है या जो सरकार में सरकार के खिलाफ रहा सब कुछ? तो मैंने तो आपको स्पष्ट शब्दों में कहा कि एंटी इनक्यूमेंसी लोकल लीडर्स के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ कम थी, सरकार के खिलाफ है।
तो क्या मान के चले भवानी खेड़ा को? तो वो सरकार के खिलाफ होने के नाते जो फिजा है इस वक्त, वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है और ये लोग मान रहे हैं। येलो लाइट दी जाए या ग्रीन लाइट दी जाए? ग्रीन दी जाए। मुकाबला कोई लगता कि नहीं? मुझे नहीं लगता। तो यानी कि प्रदीप निकलेगी, यानी कि आपको लगता है प्रदीप नरवाल भी चुनाव जीतेंगे? निकालेंगे। तो हिसार लोकसभा की ये 9 विधानसभा सीटें जिन पर हमने डिस्कस किया, अगर मैं आपको बताऊं एक बार फिर से दोहराता चलूं, हिसार के लिए सावित्री जिंदल को ग्रीन सिग्नल इंडिपेंडेंट, अगला आदमपुर बीजेपी को ग्रीन सिग्नल भव्य बिश्नोई, उसके बाद में बरवाला में रामनिवास घोड़ेला कांग्रेस को ग्रीन सिग्नल, उचाना के अंदर ब्रजेंद्र सिंह को ग्रीन सिग्नल कांग्रेस, उकलाना नरेश सेलवाल कांग्रेस ग्रीन सिग्नल, नलवा अनिल मान कांग्रेस ग्रीन सिग्नल, हांसी रोहित मक्कड़ कांग्रेस ग्रीन सिग्नल, भवानी खेड़ा प्रदीप नरवाल कांग्रेस ग्रीन सिग्नल। हमारी विवेचना में जो हमने जो आपको बताया इसके लिहाज से हिसार लोकसभा के अंदर एक विधानसभा सीट पर बीजेपी आदमपुर, एक विधानसभा सीट इंडिपेंडेंट हिसार, और बाकी 7 सीटों पर कांग्रेस की संभावना बनती है, कांग्रेस आ सकती है। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।